सुल्तानपुर में श्रमिकों को लेकर दूसरी बार स्पेशल ट्रेन जालंधर से जिले में पहुंची। 1200 मजदूरों की गई स्क्रीनिंग, कई जिलों के रहने व मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए की गई बसों की व्यवस्था। अमेठी के थाना शिवरतनगंज के भवानीपुर के एक घर में लगी आग में महिला और उसके दो बच्चे हुए जलकर राख। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महिला का पति गुजरात में करता है नौकरी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। अमेठी में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर प्रशासन हुआ संजीदा। कोरोना मरीजों के गांव बदलगढ़ के आसपास के 1 किलोमीटर इलाके को किया गया पूरी तरह सील। 3 किलोमीटर एरिया को सैनिटाइज करने का काम हुआ शुरू। अमेठी के सुकुल बाजार के बदलगढ़ में कोरोना मरीज के मिलने के बाद घर घर किया जाएगा सर्वे। आशा बहुएं, आंगनवाड़ी महिलाएं, पर्यवेक्षणीय अधिकारी व परिषदीय स्कूलों के प्रधानाचार्यों की ड्यूटी लगाने के संबंध में मुख्य विकास अधिकारी ने की बैठक, दिए उचित निर्देश। कोरोना आपदा में गरीबों को राशन देने की मुहिम में हिंदू युवा वाहिनी भी आई सामने। अयोध्या मंडल प्रभारी आशीष सिंह की अगुवाई में हुआ राशन का वितरण। जिलाधिकारी सी इंदुमती ने पात्रों को सौंपा राशन। सुल्तानपुर में दो पक्षों की मारपीट का मामला गरमाया। लड़की भगाने के इल्जाम को लेकर दो पक्ष भिड़े। पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। अकड़नगर के फरीदपुर का है मामला। जिला अस्पताल में घायलों का चल रहा है इलाज। सुल्तानपुर में सर हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिवस पर मनाया गया विश्व रेड क्रॉस दिवस। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने ब्लड बैंक में किया रक्तदान। सुल्तानपुर के लंबुआ में बीती 5 मई को बिंदु नामक महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी अजय कुमार को किया गिरफ्तार। आला कत्ल हुआ बरामद, पुलिस ने भेजा जेल। सुल्तानपुर में लॉकडाउन के 46वें दिन भी जारी रहा भाजपा नेता विनोद सिंह का अभियान। धनपतगंज में पलक सिंह ने बांटी 125 राशन किट। कई अन्य गाँव में मास्क आदि का किया गया वितरण। सुल्तानपुर में कल कूड़े भार के बरौला गांव में दुर्घटना में मृतक बीएसएफ जवान अखिलेश तिवारी का आज रीति रिवाज के साथ हुआ अंतिम संस्कार। अंतिम दर्शन के लिए व श्रद्धांजलि के लिए लोग पहुंचे। परिजनों व ग्रामीणों ने नम आंखों से की जवान की विदाई। सच्चाई वही जो हम बताएं।